दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है आपको एक खुशखबरी देने के लिए दोस्तों, जो कि मेरे लिए भी एक खुशखबरी है कि दोस्तों हमारा जो ये चैनल है विनोद टेक्नो चैनल, इस पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 24 घंटे से भी लगभग 24 घंटे का समय लगा है दोस्तों। 24 घंटे में ही अपने जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है आपको एक खुशखबरी बतानी थी दोस्तों, जिससे कि आपको मैं थैंक्स बोल सकूँ, और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बतानी थी। एक जो चीज़ है जो माइंड में, जो नई यूट्यूबर्स के माइंड में जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का फास्ट टाइम हो गया है, उनके माइंड में यह है कि दोस्तों अब लॉकडाउन चल रहा है, और कई सारे बड़े यूट्यूबर्स ने भी ये कहा है कि आप लॉकडाउन में अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ना करें, जिस अगर लॉकडाउन में आप करोगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा, अभी इनेबल नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो उस पर एड्स नहीं आएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपको बताने के लिए कि दोस्तों मैंने लॉकडाउन में अभी इनेबल किया था, आपने देखा होगा, अगर आपने अभी नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है दोस्तों, जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए दोस्तों, वो पूरा हुआ था और मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आई जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, लगभग सभी यूट्यूबर्स को आती है, जो कि दोस्तों आप अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो दोस्तों आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे और कैसे अप्लाई किया, क्या करना है। दोस्तों जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का जो माइलस्टोन होता है जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो दोस्तों, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है दोस्तों एक नए यूट्यूबर के लिए। आपको पता है अगर आप नए यूट्यूबर हैं, नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, आप वीडियो डालते हैं तो दोस्तों शुरुआत में कोई भी व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि आपकी वीडियोज़ को कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई आपको जानता नहीं है, और यूट्यूब पर आपको कोई जानता नहीं है कि ये भी कोई चैनल है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, उससे जैसे आपके व्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं, और साथ ही साथ आपको जानने भी लगते हैं और के व्यूज भी आने लगते हैं यूट्यूब वीडियोस पे। तो दोस्तों तब ये जो आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, एलिजिबिलिटी है, वो पूरी हो जाती है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों मुझको दोस्तों 5.5 महीने लग गए इनको पूरा करने में दोस्तों। जैसे ये पूरे हुए दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बनाती, मैंने चैनल पर बताया है दोस्तों, वो मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद दोस्तों मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो दोस्तों वहाँ पे आपको पता है अप्लाई ना पे जैसे क्लिक करते तो वहाँ पे 3 स्टेप आ जाते हैं, तो पहला स्टेप तो हो ही जाता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आती है दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, दूसरे स्टेप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यूट्यूबर्स को, तो वो आती है दोस्तों ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट की दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई दोस्तों, तो मैंने क्या, मेरा 1 या 2 दिन तो ऐसे निकल गए दोस्तों यहाँ पे इसको फिक्स करने में दोस्तों, मुझ पर फिक्स भी नहीं हुई। तो दोस्तों एक यूट्यूबर है दोस्तों जिन्होंने मेरी मदद की दोस्तों, उनका मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिनका नाम है दोस्तों डी एच एडवाइस, उनके चैनल का नाम है दोस्तों। उनको मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उनके चैनल पे मैसेज किया, तो उन्होंने दोस्तों फुल हेल्प की मेरी, फुल हेल्प की, और इस एरर को भी फिक्स कर दिया, और यहाँ पे एडसेंस अकाउंट को भी सही कर दिया दोस्तों। तो ऐसे मेरा जो स्टेप 2 है वो डन हुआ दोस्तों, मतलब कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये गलती करनी है कि आपको सबसे पहले तो अपना एडसेंस अकाउंट अप्रूव करा लेना है, मतलब आप जब ऐड करें अपने स्टेप 2 में, अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक करें अपने यूट्यूब चैनल से, तो आपको पहले ही अपने एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करा लेना है, उसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करते हैं अप्रूव एडसेंस अकाउंट को, आप ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि वहां से वो तुरंत ही ऐड हो जाता है, 2 से 3 घंटे का टाइम लेता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का टाइम लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है, तो वो वहां पर डन लिखा आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नया एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो, और अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है आपके नेम से या फिर कुछ भी मैच हो जाता है, तो दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो दोस्तों वहां पे एरर आ जाता है स्टेप 2 में। तो दोस्तों इसको फिक्स करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि नए यूट्यूबर्स को पता ही नहीं होता है कि कैसे इसको फिक्स करना है, क्या है प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पहले अपने एडसेंस को अप्रूव करा लेना, उसके बाद ऐड करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो स्टेप 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ दोस्तों, ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ मेरा रात के 12 बजे के लगभग मेरा कंप्लीट हुआ दोस्तों, कल रात के 12 बजे तक। तो और दोस्तों आज रात को जो 12:50 पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, वो मोनेटाइज हो गया। यूट्यूब की तरफ से एक मेल आ गया, ईमेल आ गया कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों ये जो ईमेल है दोस्तों, मैंने सुबह देखा, सुबह 4 बजे के लगभग मैंने ये ईमेल देखा, मैं जब सो के उठा, तो दोस्तों मैंने वहाँ पे पहले अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी सो के उठता हूँ तो मैं सबसे पहले वहाँ पे अपना क्रिएटर स्टूडियो चेक करता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर
फॉलोअर्स हुए हैं, कितने व्यूज आए हैं। तो दोस्तों मैंने चेक किया तो वहाँ पे तो कुछ नहीं शो कर रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही एक ईमेल आया हुआ था ऊपर, मैंने जैसे ही उसको ऊपर से किया तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले देखा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन देखते ही दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, दोस्तों मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा खुशी, आपको पता है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों इतनी ज़्यादा मेरे को खुशी हुई वहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। तो वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन देखने के बाद मैंने फट से अपना जो स्टूडियो दोस्तों मतलब क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप मोड में अपना यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन पेज ओपन किया। तो जैसे ही मैंने ओपन किया वहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे कुछ मैसेज लिखा आ रहा था दोस्तों, तो मतलब मेरा चैनल वहाँ पे मोनेटाइज हो चुका था। तो दोस्तों मेरे को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खुशी हो रही थी। और दोस्तों फट से मैंने वहाँ पे अपने जो एड्स वगैरह है वो यहाँ पे इनेबल कर दिया अपने वीडियोज़ पे। तो दोस्तों मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था, यही मेरा मकसद था कि दोस्तों आपको बताना कि आप जो भी आपके माइंड में है कि दोस्तों गलत फहमी है कि लॉकडाउन में आप अगर अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों मोनेटाइजेशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो लॉकडाउन में तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो दोस्तों मेरा तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही यहाँ पे मोनेटाइज हो गया दोस्तों, लगभग 24 घंटे लगे उसके अंदर अंदर ही मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, और साथ ही साथ एड्स भी खूब सही आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने माइंड से ये निकाल देना है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो लॉकडाउन में मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी है 1000 सब्सक्राइबर्स की और 4000 घंटे की, तो दोस्तों आपको तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए, आपको कोई भी वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका चैनल अगर आपके यूट्यूब चैनल बिल्कुल सही है दोस्तों, उसमें कोई भी गलती नहीं है, आपकी वीडियोज बिल्कुल सही है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको वायलेट नहीं करती है, बिल्कुल यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार है, तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपकी वीडियोज आपका चैनल पर जो कंटेंट है वो यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट करता है तो दोस्तों आप लॉकडाउन के बाद भी अप्लाई करोगे तो भी आपके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को चेक कर लेना, जैसे कि मैंने चेक किया, सबसे पहले आपको वीडियोज को चेक करना है, वीडियोज में आपने कोई हैकिंग वगैरह की वीडियोज तो नहीं बनाई है, या फिर कोई मोड वगैरह, या फिर किसी ऐप का मोड वगैरह आपने डाउनलोड करना सिखाया हो, या फिर कोई भी बताया हो मोड वगैरह, वो आपको वहाँ पर डिलीट कर देंगे। और साथ ही साथ आपको टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये भी चेक करना है, इनमें कहीं आपने हैकिंग वगैरह या फिर कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, जो जिससे कि आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ आपको थंबनेल भी देखना है, कहीं आपने एडल्ट थंबनेल तो नहीं लगाया, कहीं आपने एडल्ट थंबनेल लगा दिया हो तो दोस्तों ये भी पॉलिसी को वायलेट करता है। तो आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट है तो आपको बिल्कुल उसको प्राइवेट नहीं करना, आपको बिल्कुल डिलीट कर देना है उसको, जैसे कि मैंने तो बिल्कुल डिलीट किया दोस्तों। एक मेरी वीडियो थी उसमें 17,000 व्यूज थे दोस्तों, हॉटस्टार से रिलेटेड थे, तो दोस्तों उस पर मुझे डाउट था तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही मैंने कई सारी वीडियो डिलीट की, और टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी मैंने फुल चेक किया, और साथ ही साथ जो भी गलत था वो भी मैंने डिलीट किया दोस्तों। तो आपको सबसे पहले खुद से अपने चैनल को रिव्यू करना है, उसके बाद आपको भेज देना है, लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों आपको भेज देना है, आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा अगर उस पर कोई भी कमी नहीं होगी, अगर वो यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार कंटेंट होगा उस पर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो बनाई थी कि लॉकडाउन में आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में कोई अगली नॉलेज के साथ आपसे मिलते हैं।